लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। लॉकडाउन के चलते रेल और हवाई सेवाओं के साथ निजी वाहन सेवाएं भी बंद है। विशेष परिस्थितियों में ही एसडीएम द्वारा आने जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में एक ट्रेवल संचालक ने एसडीएम के नाम की फर्जी अनुमति बनाकर दो बार इनोवा गाड़ी से छात्रों एवं परिवारों को बलिया और बिहार छोड़ा। तीसरी बार इंजीनियरिंग के छात्रों को छोड़ने जाते समय रेत घाट पर चेकिंग के दौरान वाहन पकड़े जाने पर फर्जी अनुमति का खुलासा हुआ। पलाया पुलिस ने ट्रेवल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पलाया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि रेत घाट पर चेकिंग के दौरान एक इनोवा को रोका था, उसमें ड्राइवर के अलावा एक युवक सवार थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि परिवार में निधन हो गया है, जिस कारण एसडीएम शहर की अनुमति से बिहार जा रहे हैं। जब बारीकी से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया कि एसडीएम की अनुमति ट्रैवल संचालक दीपक जोशी ने लाकर दी थी। जिन छात्रों को छोड़ने जा रहे थे उनसे 10,000 रुपए एडवांस लिया था। गाड़ी 11 रुपए किलोमीटर के हिसाब से बुक हुई थी। यह अनुमति 15 से 19 अप्रैल के बीच की थी। इसके पहले 2 से 6 अप्रैल के बीच फर्जी अनुमति से ड्राइवर कुछ लोगों को बलिया उत्तर प्रदेश और 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच बिहार छोड़कर आया था। एसडीएम शहर ने ऐसी किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं करने की बात कही है। पुलिस ने दीपक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गाड़ी जब्त कर ली है। आरोपी फरार है। पुलिस यह पता लगा रही है कि दीपक ने फर्जी अनुमति कैसे तैयार की और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।